हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आखिरी की ये जो दिन होते हैं इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और यही आपको याद भी रहता है, आप पहले जितना भी पढ़ लें लेकिन लास्ट में जो भी आप पढ़ते हैं ये आपको एग्जाम तक याद रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन आखिरी दिनों में आप वो पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो पढ़ें जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिससे कि भले ही आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने घंटे आपने पढ़ाई करी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया देन यू आर जीनियस, और यकीन मानिए ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस रखिएगा। कभी कभी वो कैंडिडेट्स जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो सटीक पढ़ते हैं, जो अप टू दी मार्क पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर उनसे पूछा जाए कि कितना पढ़ा तो वो कहते हैं आखिरी के कुछ 10-15 दिन हमने अच्छे से पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये पूरा खेल आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। अगर कूल डाउन होके आप एग्जाम में जाते हैं तो आप उन क्वेश्चन के आंसर्स को भी सही कर देते हैं जो आपको आते ही नहीं, लेकिन आप गेस करते हैं और आपका गेस वर्क भी सही हो जाता है क्योंकि आपने पढ़ा है, आप कूल डाउन होके उन उसके आंसर को सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठकर टेंस हो जाएंगे तो वहां पर उन क्वेश्चन के आंसर्स भी आप नहीं कर पाएंगे जो आपको आते होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को बहुत कूल डाउन रखिए, पेशेंस के साथ पढ़िए, जितना पढ़िए उतना अप टू दी मार्क पढ़िए, 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए, लेकिन जितना पढ़िए उतना सॉलिड करने की कोशिश करिए। बस इस मूल मंत्र को याद रखिएगा। अब आप कैसे पढ़ सकते हैं तो हम यहाँ पर मॉक टेस्ट ला रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री सेशंस हैं, इनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इनरोल कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कोर्स में इनरोल भी आप कर सकते हैं। इस कोर्स की जो खास बात है वो क्या है कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरी बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, पूरा कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलने वाला है बेस्ट तरीके से, जिसके बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कैसे एनरोल कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर जाइएगा, इस कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। हैव अ लुक। ये रहा वो क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था कल के सेशन में, और आपसे कहा था कि कमेंट करके इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। क्वेश्चन था व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? एक करेंसी है, लेजर है, टाइप ऑफ करेंसी, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, या फिर नन ऑफ दीस। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया था। ब्लॉकचेन क्या है? एक डेटाबेस है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है। तो याद रखिएगा कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ब्लॉकचेन कैसा नेटवर्क है, तो आंसर होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फॉर्म अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। कह रहा है SDLC में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल में आपको इसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं इनको प्रॉपर वे में अरेंज करिए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल अरेंज कर पाएंगे कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, और किस तरीके से स्टेप अरेंज होते हैं। मैन्युफैक्चर, मेंटेन, टेस्ट, इंस्टॉल, डिजाइन या स्पेसिफिकेशन। कर लिया आप लोगों ने? सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं, यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद डिजाइनिंग करते हैं, यानी स्पेसिफिकेशन देन डिजाइनिंग, फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक बार हमने कर ली, फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद फिर चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं आ रही,
यानी मेंटेनेंस पर फोकस करेंगे। तो ये आपका सही सीक्वेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, 651342। स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट, इंस्टॉल और मेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कोकोमो मॉडल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। कोकोमो मॉडल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्या होता है कोकोमो मॉडल? कॉमन कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कंप्लीट कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, यानी सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए। कोकोमो मॉडल क्या होता है? जैसे सपोज करिए आपने मुझसे कहा कि सर मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, हमने कहा बिल्कुल बना देंगे, फिर हम ये भी तो पूछेंगे कि अरे हमें पेमेंट कैसे करोगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर जो बनाएगा पर्सन यानी प्रोग्रामर, उसको पेमेंट कैसे करें? तो उसके लिए एक मेथड निकाला गया जिसको कहा गया कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कैसे जज किया जाए इसके लिए यह मॉडल दिया गया। तो पहला पॉइंट देखिए, ये एक रिग्रेशन मॉडल है, तो अगर एग्जाम में रिग्रेशन की बात कर रहे हूं तो कोकोमो मॉडल होगा। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद में जो कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ये मॉडल दिया गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस्ड ऑन एलओसी, लाइंस ऑफ कोड के ऊपर ये बेस्ड है कि अगर सपोज करिए 20 लाइन का कोड है तो आपको 20 रुपए दे देंगे डेवलप करने के लिए, 2000 लाइन का कोड है तो 2000 अमाउंट हो जाएगा, 5000 लाइंस का कोड है तो 5000 हो जाएगा। आप कह रहे होंगे सर ये सही तरीका नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोकोमो मॉडल लाइंस ऑफ कोड के ऊपर ही बेस्ड है। तो याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइंस ऑफ कोड के ऊपर बेस्ड जो मॉडल है उसे क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? कोकोमो मॉडल होगा, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होगा। और लास्ट है, कितने टाइप्स का ये कोकोमो मॉडल होता है? तो इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया, एक बेसिक, एक इंटरमीडिएट और एक डिटेल्ड या एडवांस भी इसको कह सकते हैं। गिवन बाय किसने इस मॉडल को दिया? तो आंसर है डॉक्टर बैरी बोहेम के द्वारा ये मॉडल दिया गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा जो कि कोकोमो मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं और यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट, रोल बैक कमांड इज यूज्ड फॉर, रोल बैक कमांड का इस्तेमाल डेटाबेस में क्यों किया जाता है? टू रिट्रीव द डिलीटेड फाइल, टू डिलीट द फाइल, बोथ वन एंड टू, व्यू द डेटा या नन ऑफ दीज। तो रोल बैक का मतलब क्या होता है? अंडू करना, अंडू मतलब रोल बैक। तो टू रिट्रीव द डिलीटेड फाइल, डिलीटेड फाइल को रिट्रीव करने के लिए रोल बैक का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डेटा इन एक्चुअल एनवायरमेंट इज नोन एज। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना एक्चुअल डेटा और एक्चुअल एनवायरमेंट में, इसे क्या बोलते हैं? तो कई बार हम लोग सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसके बाद एक टेस्टिंग करवाते हैं, अल्फा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है, लेकिन एक्चुअल एनवायरमेंट में जो यूजर टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। तो यहां पर आंसर क्या होगा? बीटा टेस्टिंग, जो कि टेस्टिंग का लास्ट फेज होता है। अब इसके बाद हम फाइनल इस सॉफ्टवेयर को रिलीज कर देते हैं मार्केट में, तो बीटा टेस्टिंग के बाद में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है विद द रिक्वायर्ड अपडेशंस, अगर उसमें कोई अपडेशन है तो उसको करके रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। बताइए, नेटवर्किंग तो आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल कौन सी है? टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट, एफडीडीआई या नन ऑफ दीज। देखिए अगर लैन प्रोटोकॉल की बात करें तो टोकन बस, ईथरनेट, एफडीडीआई, ये तीनों आपकी लैन प्रोटोकॉल हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो लैन प्रोटोकॉल है और जो कॉमन यूज होने वाली लैन प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा वो है ईथरनेट प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा कि टोकन बस ईथरनेट और एफटीडीआई ये आपकी लैन प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन सबसे वाइडली यूज्ड होने वाली है ईथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड 802.5 इज ऑल्सो कॉल्ड एस। आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड में 802.5 को क्या कहा जाता है? ईथरनेट, टोकन बस, वायरलेस नेटवर्क, टोकन रिंग या ब्लूटूथ? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ईथरनेट, इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो आप जानते हैं आई ट्रिपल ई 802.3 होता है, तो 802.3 इज रिजर्व फॉर ईथरनेट। टोकन बस 802.4 है। वायरलेस नेटवर्क जिसको वाईफाई भी बोलते हैं 802.11 है। टोकन रिंग 802.5 है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दैट इज टोकन रिंग। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क है और पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए 802.15 है, और जबकि ब्लूटूथ के लिए 802.15.1 है ना? तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट शेड्यूलर सिलेक्ट द जॉब फ्रॉम द पूल ऑफ जॉब्स एंड लोड्स इनटू द रेडी क्यू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आ सकता है। कह रहा है ऐसा कौन सा शेड्यूलर है जो जॉब को सिलेक्ट करता है फ्रॉम दी पूल ऑफ जॉब। पूल ऑफ जॉब का मतलब होता है हार्ड डिस्क, एंड लोड इनटू दी रेडी क्यू, रेडी क्यू का मतलब होता है रैम। तो हार्ड डिस्क से रैम में लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो आंसर है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम करता है, प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठाता है और रैम में रख देता है। ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? रैम से उठाकर सीपीयू में एग्जीक्यूट करवाने के लिए देता है। तो रैम से सीपीयू में पूछा जाए, यानी रेडी क्यू से सीपीयू में पूछा जाए तो शॉर्ट टर्म होगा, और अगर हार्ड डिस्क यानी पूल ऑफ जॉब से रैम में लोड करने की बात की जा रही है तो आंसर क्या होगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, दी ब्लॉकचेन वाज इन्वेंटेड बाय डैश इन 2008। कह रहा है ब्लॉकचेन को 2008 में बनाया गया। ये भी याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन कब इन्वेंट किया गया? 2008 में। लेकिन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया ये बताइए? एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन मैकार्थी, सतोशी नाकामोटो या एलॉन मस्क? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन के फाउंडर पूछें या ब्लॉकचेन के फाउंडर पूछें, दोनों ही केस में यहां पर आंसर क्या होने वाला है? सतोशी नाकामोटो होगा। जबकि आप जानते हैं एलन ट्यूरिंग कौन है? कंप्यूटर साइंस के फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर साइंस मिस्टर एलन ट्यूरिंग। हु इज जॉन वॉन न्यूमैन? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो है जॉन वॉन न्यूमैन, या स्टोरेज का कॉन्सेप्ट देने वाले मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन है। जॉन मैकार्थी कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर हैं मिस्टर जॉन मैकार्थी। और सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के फाउंडर या इन्वेंटर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन हैज हाउ मेनी वर्जन? ब्लॉकचेन के कितने वर्जन होते हैं? 2, 3, 4, 5 या 6? करेक्ट आंसर है 3 वर्जन होते हैं ब्लॉकचेन के। कौन कौन से? ब्लॉकचेन 1.0, 2.0 और 3.0। जबकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लॉकचेन 1.0 क्या है, ब्लॉकचेन 2.0 क्या है या ब्लॉकचेन 3.0 क्या है। तो चलिए इसको एक बार जानते हैं। ब्लॉकचेन 1.0 है करेंसी, जैसे डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन 2.0 है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और ब्लॉकचेन 3.0 है डी एप्स। डी एप्स की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, जिसके थ्रू हम ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो करेंसी
या बिटकॉइन को मैनेज करते हैं। ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को डी ऐप के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लॉकचेन 3.0 का पार्ट है। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइस जनरली डज नॉट हैव सिम स्लॉट? कह रहे हैं ऐसी कौन सी मोबाइल डिवाइस होती है जिसमें सिम नहीं लग सकता? जीएसएम फोन, टीडीएमए फोन, सीडीएमए फोन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोग ने दिया, सीडीएमए। इस केस में जो सिम है वो नहीं लगता। आप जानते हैं पहले के समय में सीडीएमए मोबाइल फोन आते थे, आज भी आते हैं, जिसमें सिम स्लॉट नहीं लगता। तो सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। लेकिन वो फोन जिसमें सिम लग जाता है उनको क्या बोलते हैं, ये भी बताइए। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड जीएसएम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अ सीडीएमए नेटवर्क? सीडीएमए की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है? यहां पर आपके एग्जाम में सीडीएमए की रेंज भी पूछी जा सकती है और जीएसएम की रेंज भी पूछी जा सकती है। तो सीडीएमए की जो रेंज होती है वो होती है 700 से 2500 मेगाहर्ट्ज़। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से, सीडीएमए नेटवर्क की जो रेंज है वो 700 से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक है, जबकि जीएसएम नेटवर्क की जो रेंज है, व्हाट इज द जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अ जीएसएम नेटवर्क? तो आंसर होगा 850 से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज़। फिर से, जीएसएम की जो रेंज है वो कितनी है? 850 से लेके 2100 मेगाहर्ट्ज़, यानी थर्ड इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गलत मत करिएगा। तो जीएसएम नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें, यानी वो मोबाइल फोन होते हैं जिसमें सिम का यूज होता है। अब एग्जाम में सिम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सिम की फुल फॉर्म क्या होती है आप जानते हैं? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स सिग्नल कंपोज्ड ऑफ लाइट बीम? ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसमें लाइट बीम को इन्वॉल्व किया गया, या ऐसी कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी हो सकता है क्वेश्चन। इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा? WDM होगा, वेवलेंथ पर बेस्ड है। करेक्ट आंसर होगा WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? तो अगर एग्जाम में लाइट बीम की बात हो, ऑप्टिकल फाइबर की बात हो, फाइबर ऑप्टिक केबल की बात हो, तो हमेशा आंसर क्या होगा? WDM होगा, ये याद रखिएगा, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और आपको समझाने के लिए हमने एक लाइन भी लिखी, इट इज अ फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन टेक्निक। कैसी टेक्निक है? फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, यानी जो फाइबर ऑप्टिक सिग्नल्स हैं वो इसके थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं, ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है WDM। क्लियर है, समझ में आया? अगला देखिए, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट्स अ वेब पेज इन व्हाट वे? डॉम का मतलब क्या होता है? जब HTML में ऑब्जेक्ट्स को एक हायरार्की के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या ट्री के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कितना आसान है, HTML में ऑब्जेक्ट्स को ट्री के फॉर्म में अरेंज करना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ताकि एक परफेक्ट हायरार्की के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले HTML आता है, फिर हेड आता है, फिर टाइटल आता है ना, इस तरीके से होता है। तो ये पूरी हायरार्की है ना जो आपको याद है, तो यही आपका कहलाता है क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डॉम रिप्रेजेंट अ वेब पेज इन व्हाट वे? डायनेमिक स्ट्रक्चर, रिकर्सिव स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर,
हैज स्टेबल स्ट्रक्चर, ये ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी थर्ड यहां पर बिल्कुल वैलिड होगा। देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही इसको अरेंज किया गया है, दिस इज डोम। ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन दी एचटीएमएल डोम? एचटीएमएल डोम में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? सर अभी अभी आपने बताया ट्री फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक हायरार्की होती है, तो क्या कहीं हायरार्की दिख रहा है, कहीं ट्री दिख रहा है? बिल्कुल हायरार्की दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा अगर आपको टॉपिक के बारे में पता होगा तो बिल्कुल जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट होगा, है ना। पॉजिटिव बात यह है कि आपको ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में से ही तो आंसर लगाने, है ना, तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, द डॉम इज अ डैश स्टैंडर्ड। डॉम कैसा स्टैंडर्ड है? WWW, W3C, W3B, WMB या ANSI स्टैंडर्ड है? तो डॉम को डेवलप किसने किया? W3C के रिकमेंडेशन से इसको डेवलप किया गया, दैट्स वाई द डॉम इज अ W3C स्टैंडर्ड। और W3C की फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा W3C। नेक्स्ट, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? जो अभी इतना लंबा हमने आपको समझाया, अब उसको जरा पिक करिए यहां पर ऑप्शन में कि डॉम होता क्या है। आता है आपको, जरा बहुत अच्छे से पढ़िए और बताइए, कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ना, API जो है वो डॉम से मिलके बनता है, डॉम प्लस HTML इज इक्वल्स टू API, तो ये नहीं हो सकता। हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट इन ASP.NET, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हायरार्की वाइज ट्री वाइज अरेंज करें, इसी को बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो फर्स्ट इज दी करेक्ट वन, डॉक्यूमेंट HTML हेड बॉडी टाइटल एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही अरेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाइथन इज रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कितना आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है पाइथन को लिखा गया किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? PHP, C++, C, जावा या पर्ल? तो आप जरा सोचिए, मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेज कौन सी है? मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस, बिल्कुल सही सी है, तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? पाइथन इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस रीजन की वजह से पाइथन को साइथन के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि सी का यहां पर बहुत बड़ा योगदान है, तो पी की जगह इसको क्या कह दिया जाता है, कभी कभी साइथन के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, अब तो याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट देखिए, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेट्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कह रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट करते हुए यहां पर कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्या, ये जरा ढूंढ के बताइए। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्या पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? बिल्कुल सही बात है, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल यहां पर होता है, तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फ्री एंड ओपन सोर्स, क्या ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है? आंसर है यस, पाइथन आपकी ओपन सोर्स भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी क्या पाइथन में बनाया हुआ कोड या प्रोग्रामिंग किसी भी यू कैन से ब्राउजर पर रन कर दी जाती है? क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक ब्राउजर है, या किसी भी ब्राउजर पे पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन हो जाती है? तो आंसर है किसी भी ब्राउजर पे रन हो जाती है, तो इसका मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है पाइथन? तो आंसर है बिल्कुल, पाइथन आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, तो आंसर क्या हो गया? ऑल आर ट्रू, यानी यहां पर कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, सभी आपके वैलिड स्टेटमेंट है, क्लियर है? तो आपको पाइथन के बारे में देखिए चार पॉइंट्स यहां से पता चल गए, तो इन चारों पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंटरप्रेटेड, फ्री एंड ओपन सोर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ XML?
XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज क्या है, क्यों हम XML का यूज करते हैं? डिजाइन करने के लिए डेटा को, ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेटा को, वेरीफाई डेटा, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। XML का दो यूज होते हैं, एक होते हैं डेटा को स्टोर करना और दूसरा होता है डेटा को ट्रांसफर करना। तो अगर आप ये दोनों यूज इसके याद रखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, तो आंसर होगा टू ट्रांसपोर्ट डेटा। XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा। XML क्या करता है, पहला स्टोर करता है डेटा को और फिर स्टोर किए हुए डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये दो काम होते हैं XML के, इसको याद रखिएगा। अब XML बाकी HTML से कैसे अलग है, तो ये भी एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, HTML में जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, जबकि XML में जो टैग्स होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, जो आप कस्टम करते हैं, जो आप बनाते हैं, जो आप खुद डेवलप करते हैं। तो XML आपको ये फ्रीडम देता है कि यहाँ पर आप टैग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जबकि HTML आपको ये फ्रीडम नहीं देता, वहां पर आपको प्री डिफाइंड टैग्स का यूज ही करना पड़ता है। समझ में आ गया? आज के सेशन का जो क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो ये रहा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बताइए, हाइड इंफॉर्मेशन इन साइड अ पिक्चर, व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड? ये कैसी टेक्नोलॉजी है जहां पर पिक्चर को हाइड कर दिया जाता है, या सॉरी अगर ये कहें कि इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया जाता है पिक्चर के अंदर। कितनी लाजवाब टेक्नोलॉजी है कि पिक्चर के अंदर हमने किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया। अब इसे क्या बोलेंगे, रूटकिट, बिट मैपिंग, स्टेगनोग्राफी, इमेज रेंडरिंग या नन ऑफ दीज? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको आता होगा। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके आंसर का खुलासा मैं करूंगा अगले वीडियो। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो इन मॉक टेस्ट से बिल्कुल कनेक्ट होकर यूट्यूब के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा और सबको रिकमेंड जरूर करिएगा कि एक बार इस चैनल पर आएं और वीडियोस को जरूर देखें। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, आप जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, परेशान मत होइए, पेपर का लेवल इतना टफ नहीं आने वाला है। देखिए टफ उनके लिए है जिनको आता नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना, उनके लिए सब आसान है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, है ना। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।